हेलो गाइज, वेलकम टू आर एजुकेशन चैनल्स। बच्चों, मैं आपको कल टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन बताए थे बच्चों, लेकिन मैंने आज बच्चों सोचा है कि आप लोगों को मैं जितने भी फार्मूला है बच्चों, आपको मैं फार्मूला पहले बताऊंगा बच्चों, क्योंकि आपको बेसिक स्टेज से मैं आपको लेकर के चलूँगा। और आपको बच्चों इस जो क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ बच्चों, जो आपको टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन हर जो कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन होते हैं बच्चों, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं हो जिसमें डिस्टेंस, टाइम स्पीड, मतलब चाल, दूरी और समय का क्वेश्चन न पूछा जाए। और बच्चे क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं क्योंकि उनको ठीक नहीं मालूम है बच्चों, कम समय में लगाना होता है। और हम फार्मूलों को ही नहीं मालूम होता है कि हमको फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको आज शुरू से लेकर करके आखिरी तक आप मेरा बहुत ही आप अच्छी आपको मैं ज्ञान देने वाला हूँ बच्चों, बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है कम समय में इस प्रकार के क्वेश्चन को आप तुरंत एक सेकेंड, एक मिनट में लगा लेंगे। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा बच्चों। तो बच्चों, आप शुरू से आखिरी तक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। यदि दो गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं, मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, यदि दो गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं, तो बच्चों उसमें क्या होता है कि गाड़ियों की गतियों के अंतर हो जाता है। जितनी जो भी गाड़ियां एक दिशा में चल रही हैं, तो गाड़ियों की गतियों का, दोनों गाड़ियों के गतियों का अंतर होगा। तो यदि मान लीजिए कि आप गाड़ियों की चाल जो है, यदि आपको जो भी दिया गया है उसके अंतर कर देंगे, जैसे मान लीजिए आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया है, तो 8 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और यदि बच्चों यदि कहता है कि यदि दोनों गाड़ियाँ यदि विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो गाड़ियों के अंतरों का गाड़ियों के गतियों के योग के बराबर हो जाता है। तो आप देखें बच्चों, तो यही चीज आपको मैंने अभी बताया है कि यदि दो गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दोनों गाड़ियों के चालों के अंतर के बराबर होता है। यदि दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों गाड़ियों के चालों के योग के बराबर होता है। अब बच्चों, यदि आपको ये तो हमारा इस प्रकार के क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको कल के वीडियो में बच्चों बताया था कैसे हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, कैसे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे। मैं आपको फर्स्ट जो मैंने आपको कल वीडियो में आपको बता दिया था, तो बच्चों आप जो लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आपको देख लीजिएगा। तीसरा है बच्चों, क्वेश्चन में दे रहा है कि यदि दो गाड़ियों की लंबाइयाँ, दो गाड़ी रेलगाड़ी की लंबाइयाँ ए तथा बी मीटर, पहली रेलगाड़ी की चाल सी किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी की चाल डी किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, ये दो गाड़ियां जो एक बता रहा है, दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग कर लेंगे, ये जो हमारी दूरी जो हो जाएगी, तो कुल दूरी जो हो गई बच्चों क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगा। दोनों गाड़ियों की जो दोनों रेलगाड़ी की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, कुल दूरी जो हो गई हमारी, कुल दूरी यदि हम करें तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, ए और तथा बी मीटर है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। और बच्चों कह रहा है कि जो चाल है, पहली रेलगाड़ी की चाल सी किलोमीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल डी किलोमीटर है, तो इनका भी बच्चों हम क्या करेंगे, चाल को भी जोड़ देंगे, तो सी प्लस डी होगा। और यदि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है बच्चों, तो यदि इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो ये हमारा 5/18 आएगा। तो इस तरह से बच्चों हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। अब बच्चों एक और दिया है
इसको आपको हम अभी थोड़ा सा जिसमें इसको बता रहे हैं, फिर इसके बाद आपको बता। अब बच्चों ये क्वेश्चन दे रहा, एक दिया है फार्मूला, ये सब फार्मूला आज आपको मैं बता रहा हूं बच्चों, आप देखेंगे। एक पुल ए मीटर लंबा हो, यदि बी मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल, सी किलोमीटर प्रति घंटे किलोमीटर पर हावर हो, तो वह पुल को कितने समय में पार कर लेगी? वो पुल को कितने समय में पार कर लेगी? तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, जो देखो बच्चों अब इसमें जो कोई वस्तु है और रेलगाड़ी जब पार कर रही है, तो दोनों अपनी वस्तु और रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी इसके योग के बराबर हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि ए प्लस बी हो जाएगा, पुल को पार करने में लगा समय बराबर कुल दूरी और बटे में कुल चार्ज हो जाएगा। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? ए प्लस बी। एक पुल जो है ए मीटर लंबा है, और यदि वह बी मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी बी मीटर लंबी है, तो उन दोनों का कुल योग हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए होगा और ए बी होगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। पुल को पार करने में लगा समय बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। और इसके बाद बच्चों कह रहा है कि इसके जो चाल जो है सी किलोमीटर है, यदि रेलगाड़ी की चाल एक चाल दी गई है तो सी किलोमीटर प्रति हावर है बच्चों, तो यदि इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? क्योंकि समय की जो यूनिट मात्रक होता है, मिनट होता है, यूनिट होता है, सेकेंड होता है, या घंटा होता है, तो यह बच्चों हमारा आंसर जो आएगा सेकेंड में आएगा। तो ए प्लस बी और सी गुणे 5/18 में सेकेंड हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से बच्चों मैंने आज आपको फार्मूला बताया। तो यदि आप बच्चों आपको इसको आप इसको अच्छी तरह से बच्चों आप राइट कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए और कॉपी में राइट कर लीजिए बच्चों। बच्चों मैं आपको इसी प्रकार के आपको शॉर्टकट मेथड, अभी आज मैंने बच्चों आपको बस मैंने आपको बस फार्मूला ही बताया है। आज मेरा थोड़ा सा मेरा बच्चों तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मैं आपको ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ बच्चों। आप बच्चों मैं आप लोगों से यह मैं कहना चाहता हूँ बच्चों, मैं एक साल से एक वर्ष से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और मैं लेकिन मैं अब यह देख रहा हूँ बच्चों कि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग एक दूसरे को शेयर नहीं कर रहे हैं। बच्चों मैंने आप लोगों से वादा भी किया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है बच्चों, आप उससे संपर्क करें, मुझे बताएं, अपनी समस्या को रखें बच्चों। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ बच्चों, लेकिन बस आप लोगों का सहयोग चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। एक दूसरे को शेयर करें, आप किसी का भी बच्चों, एक तो हम लोग दो दो चार चार घंटे आप लोगों को हमेशा हर मतलब जितना भी समय हो सकता है तो एक मतलब वीडियो मैं अपलोड करता ही हूँ प्रत्येक दिन बच्चों। लेकिन बच्चों आप लोग थोड़ा सा सहयोग दीजिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों मैं आप लोगों को बार बार, आप लोग सोचते होंगे सर बार बार यह कहते हैं बच्चों, यह कहना इसलिए पड़ रहा है बच्चों कि YouTube ने एक ऐसा हम लोगों को एल्गोरिथम बना दिया है, नियम बना दिया है कि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जब तक आपका 4,000 घंटा और 1,000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा हो जाता है। तो बच्चों इसलिए मैं सभी जितने भी यूट्यूबर हैं बच्चों, आप लोगों से कहना पड़ता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि बच्चों अभी हम लोग भी आप लोगों के तरह से हम लोग भी वीडियो आप लोगों को लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी फ्री सेवा दे रहे हैं बच्चों, हम लोग कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं आप लोगों से। बस आप लोगों से यही मेरा कहना है कि बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वीडियो जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप एक दूसरे को शेयर करें, और जिससे और भी बच्चे लाभान्वित हों, और भी बच्चों का ज्ञान प्राप्त हो। तो बच्चों आप लोगों से मेरा अब निवेदन है कि बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को ग्रो कराने में सहयोग करें। थैंक यू, आई टू वीडियो।